दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे कि लकड़ी के बड़े होल्स की रिपेयर और उसके ऊपर पॉलिश कैसे की जाती है। तो देख सकते हैं सागवान की लकड़ी है और ये पूरी यहाँ से क्रैक है, ये पूरी यहाँ से ख़राब हो गई है। तो इसको हमें रिपेयर करना है, उसके बाद में इसके ऊपर पॉलिश करना है। कैसे होगी इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी स्टेप बाई स्टेप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह प्रोसेस कैसे किया जाता है। सबसे पहले जहाँ पर लकड़ी ख़राब है उसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से या आप कोई ब्लेड वगैरह भी ले सकते हैं, उसको अच्छी तरह से साफ़ कर देना है। जितनी लकड़ी निकल सकती है ख़राब वाली उतनी निकाल देनी है। ये देखिए इस तरीके से निकाल देनी है पूरी लकड़ी को, जितनी भी निकल सकती है। और उसके बाद में हमें इसकी रिपेयर करनी है। रिपेयर करने के लिए आप लकड़ी का बुरादा भी यूज कर सकते हैं, बुरादे से भी अच्छी तरह से रिपेयर हो जाती है, प्रॉपर रिपेयर हो जाती है। बुरादे में फेविकोल मिक्स करके इसकी रिपेयर की जा सकती है, या फिर आप चाहें तो पॉलिएस्टर पुट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं, 2K पॉलिएस्टर पुट्टी। ये देखिए ये हमारे पास 2K पॉलिएस्टर पुट्टी है, ये लोहे के ऊपर यूज होती है, कार वगैरह के ऊपर इसी का प्रयोग किया जाता है बड़े होल्स की रिपेयर करने के लिए। ये 500 ग्राम की पैकिंग है, बाकी इससे बड़ी भी पैकिंग आती है, 1 लीटर की भी आती है। ये देखिए ये 500 ग्राम है और इसकी MRP है 192 रुपये। इसके साथ में आपको एक हार्डनर भी मिलता है, इस पुट्टी में हार्डनर मिक्स करेंगे तभी ये सूखेगी, अगर हार्डनर आपने नहीं मिक्स किया तो ये सूखेगी नहीं। तो इसमें आपको हार्डनर थोड़ा थोड़ा ही मिक्स करना होता है, एक बार में आप जितनी यूज कर सकते हैं 20-30 सेकेंड में जितनी यूज कर सकते हैं आप उतना ही इसमें हार्डनर मिक्स करें, उतने में ही हार्डनर मिक्स करें। और हार्डनर आपको बिल्कुल थोड़ा ही मिक्स करना है। ये देखिए जैसे हमने इतनी पुट्टी ली है इसमें थोड़ा सा हार्डनर मिक्स करेंगे और उसको फिर एक में मिला लेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मिलाना ज़रूरी है, अगर मिलाएंगे नहीं तो कहीं पर पुट्टी सूख जाएगी, कहीं पर गीली रहेगी। इस तरीके से इसको अच्छी तरह मिला लेना है और उसके बाद में इसके ऊपर रिपेयर कर देनी है। ये देखिए इस तरीके से, वैसे तो एक कोट में ही कवर हो जाती है, बाकी अगर आपको डबल कोट करने की जरूरत है तो थोड़ा सूखने के बाद में आप इसके ऊपर डबल भी मार सकते हैं, डबल रिपेयर भी कर सकते हैं इसके ऊपर। बस होल पूरे बराबर कर लेने हैं आपको, चाहे 2 बार करनी हो चाहे 3 बार करनी हो। सूखने के बाद में इसकी हमें सैंडिंग करनी है। सैंडिंग करने के लिए 80 नंबर का पट्टे वाला रेगमाल यूज करेंगे हम, ये 80 नंबर का पट्टे वाला रेगमाल है और अच्छी तरह दबा के लगा देना है, पूरी लकड़ी के ऊपर लगाना है ये हमें। जहाँ पर हमने रिपेयर की है वहाँ पर भी लगाना है और जहाँ पर रिपेयर नहीं की है वहाँ पर भी लगाना है। लकड़ी कहीं पर ऊँची नीची नहीं होनी चाहिए, अगर ऊँची नीची होगी तो बाद में दिक्कत होगी आपको। उसके बाद में हमें इसके ऊपर माननी है लाखदाना पॉलिश, ये लाखदाना पॉलिश है। लाखदाना पॉलिश कैसे बनती है अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी लाखदाना पॉलिश कैसे बनाई जाती है। तो इसके ऊपर हमें 2-3 कोट अप्लाई करने हैं लाखदाना पॉलिश के इस तरीके से। यह पॉलिश तुरंत ही सूख जाती है, इसलिए आप तुरंत ही इसके ऊपर 2nd कोट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसके ऊपर कलर करना है तो कलर भी मिक्स कर सकते हैं इसी पॉलिश में, अगर आपको कलर नहीं ऐड करना है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और जहाँ पर हमने रिपेयर की है अगर वहाँ पर डिसकलर है तो उसके लिए आप स्टीनर का प्रयोग कर सकते हैं इसकी मैचिंग करने के लिए, या फिर आप सेना पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह की लकड़ी कलर है उसी तरह का बिल्कुल सेम बना लेना है उसको। फिर से 1-2 हाथ लाखदाना पॉलिश के मार देने हैं। उसके बाद में हमें इसके ऊपर सीलर मारना है। सीलर में अगर आपको PU पॉलिश करनी है तो आप PU सीलर का प्रयोग करें, अगर आपको मेलामाइन पॉलिश करनी है तो मेलामाइन सीलर का प्रयोग करें। पॉलिश आप कोई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों का करने का प्रोसेस सेम ही होता है, मेलामाइन और PU का। हम इसमें मेलामाइन का ही प्रयोग कर रहे हैं इसलिए हम इसमें मेलामाइन सीलर ही मारेंगे। बनाने का तरीका आपको पता ही है, बना के मैंने रखा हुआ है पहले से ही। हम इसको ब्रश से कर रहे हैं, बाकी आप स्प्रे गन से भी कर सकते हैं, प्रोसेस सारा सेम ही होगा। ब्रश से हमें 2-3 हाथ सीलर के मारने होते हैं। मैं इसकी पूरी भराई कर लेता हूँ, उसके बाद में दिखाता हूँ। तो हमने इसकी पूरी भराई कर ली थी, देख सकते हैं सूख भी गया है प्रॉपर। अब इसकी हमें सैंडिंग करनी है। सैंडिंग करने के लिए आप 220 नंबर रेगमाल या फिर 320 नंबर का रेगमाल यूज कर सकते हैं। इसको आप पानी से भी लगा सकते हैं और सूखा भी लगा सकते हैं। उसके बाद में साफ करके इसके ऊपर हमें टॉप कोट अप्लाई करना है। टॉप कोट में हम ग्लोसी का प्रयोग कर रहे हैं, बाकी अगर आपको मैट फिनिश चाहिए तो मैट फिनिश भी कर सकते हैं। ये ग्लोसी है मेलामाइन ग्लोसी, बनाने का तरीका सेम ही होता है, जैसे सीलर बनता है वैसे ही ग्लोसी बनती है, वैसे ही मैट ही बनती है। 1 लीटर में 100 ग्राम हार्डनर और 200 ग्राम तक मेलामाइन थिनर पड़ता है। ये एक बार में आपको जितना यूज करना हो, जैसे आपको 100 ग्राम लगना है या 200 ग्राम लगना है तो उतना ही बनाना है, क्योंकि जब हार्डनर इसमें पड़ जाता है तो ख़राब हो जाती है। और फिर इसके ऊपर हमें 3-4 कोट ग्लोसी के अप्लाई करने हैं इस तरीके से, 3-4 कोट हमें ग्लोसी के अप्लाई कर देने हैं। चलिए मैं पूरी इसके ऊपर ग्लोसी मार लेता हूँ 3-4 कोट, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ।
तो देखिए अभी पूरी हमारी प्रॉपर सूख चुकी है, अब इसके ऊपर हमें कंपाउंड करना है। कंपाउंड करना ज़रूरी है, अगर कंपाउंड नहीं करेंगे तो इसके ऊपर ब्रश के निशान दिखाई देंगे, इसलिए कंपाउंड करना ज़रूरी है। कंपाउंड करने के लिए सबसे पहले हम इसके ऊपर 1000 नंबर का रेगमाल लगाएंगे, उसके बाद में 2000 नंबर का रेगमाल लगाएंगे पानी के साथ में, उसके बाद में इसको साफ़ कर लेंगे कपड़े अच्छी तरह से, उसके बाद में हम इसके ऊपर कंपाउंड यूज कर सकते हैं। कंपाउंड आप कोई भी ले सकते हैं, 3M का ले सकते हैं या फिर आप रबिंग कंपाउंड ले सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास 3M की एक क्रीम है और एक कंपाउंड है, ये देखिए मरीम पेस्ट 3M का कंपाउंड है, ये इसमें कंपाउंड और क्रीम दोनों मिक्स होती हैं, एक से ही काम चल जाएगा। बाकी अगर आप खाली कंपाउंड का प्रयोग करते हैं तो उसमें आपको क्रीम लगानी पड़ती है, तो हम इसमें खाली कंपाउंड ही मारेंगे 3M का रबिंग कंपाउंड। इस तरीके से इसके ऊपर लगा देना है, इस तरीके से, और फिर इसके ऊपर हमें कपड़ा रगड़ते रहना है जब तक इसमें पूरी शाइनिंग नहीं आ जाती है, तब तक इसके ऊपर कपड़ा रगड़ते ही रहना है। अगर आपके पास बफिंग मशीन है तो आप बफिंग मशीन का भी प्रयोग कर सकते हैं, बफिंग मशीन से थोड़ा सा जल्दी काम हो जाएगा, बाकी कपड़े से थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। चलिए मैं इसको पूरा फिनिश कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए अभी हमारा पूरा फिनिश हो चुका है और इसकी फिनिश बिल्कुल हाई ग्लॉस और स्मूथ है। इसके ऊपर अगर आप हाथ रखेंगे तो आपका हाथ भी स्लिप कर जाएगा, इतनी ज़्यादा इसमें फिनिशिंग है, बिल्कुल स्प्रे गन वाली फिनिशिंग है। इसको हमने ब्रश से किया है लेकिन फिनिशिंग बिल्कुल स्प्रे गन वाली है। अगर आप इस तरीके से प्रयोग करेंगे पॉलिश का तो आपकी फिनिशिंग बिल्कुल स्प्रे गन वाली ही आएगी, ब्रश से भी। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।